और ये हिरन तो जो है बिल्कुल सामने ही आ जा रहा है। अबे भाग के सामने क्यों आ रहा है, कोई डर ही नहीं है इनके। अब तो अभी इस वाले पिग बांध में इतने सारे पिग हो चुके हैं और एक पिग तो जो है रेस्ट इन पीस भी हो चुका है, और एक पिग मैंने जो है इस वाले एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेलर में लोड कर रखा है और वो भी रेस्ट इन पीस हो चुका है। और अब इन पिक को सेल करने का टाइम आ गया है क्योंकि मुझे बैलेंस की जरूरत भी है, क्योंकि अपना काओबान का काम मुझे कंप्लीट करना है। और काओबान के डिजाइन में मैंने थोड़ा चेंज किया है, काओबान मैंने अब पूरा का पूरा ओपन में बना दिया है। मैं अभी काओबान दिखाता हूँ, बाकी यहाँ से जो है ये बड़े बड़े पिक तो मैं सारे सारे आज सेल करके आने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो ये यहीं पर रेस्ट इन पीस होते रहेंगे और यहाँ पर अब इसे उठाना पॉसिबल नहीं है। इसे स्कैन करके एक एक पीस करके उठा ले जाना पड़ेगा, या फिर जो है कूल बॉक्स आता है उसके अंदर भर के ले जाना पड़ेगा। उसमें भी जो है 12 पीस ही आते हैं और एक पिक को भरने के लिए 3 बॉक्स चाहिएंगे, तो 3 बॉक्स भी परचेज करने पड़ जाएंगे। बाकी ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, अबे साइड हो जा, इसको जो है जगह नहीं मिल रही तो उसके ऊपर से ही चढ़ के जा रहा है। बाकी यहाँ पे काओबान के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने बाहर जो है फेंसिंग कर दी है सारे के सारे में, और ये फेंसिंग अभी कंप्लीट नहीं है और ये खाली ब्लू प्रिंट है। इसके लिए वुड प्लैंक लेके आने हैं और वुड प्लैंक लाने के लिए मैं पिक सेल करने वाला हूँ। पिक सेल करूंगा तो जो है उससे बैलेंस मिलेगा और तब मैं वुड प्लैंक परचेस करके लेके आऊंगा। और ये मैंने पूरा ओपन बना दिया, इसमें बहुत सारी काउस आ सकती है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, तो मैं 50-60 काउस भी आराम से रख सकता हूँ। बाद में गिट में यहाँ से हटा दूंगा तो काउस जो है अंदर भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है। बाकी हनी बीज का भी यहाँ पे टेम्परेरी लगा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बना दिया था, एक बार इससे मैं हनी निकाल लूंगा उसके बाद इसे यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे मैंने काफी सारे हनी बीज के लिए लगा दिए हैं, ये भी अभी रेडी हुए हैं, इनके भी रेडी करने हैं। इनके लिए मेटल पीस चाहिए और वुड प्लैंक चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे फेंसिंग कर दिया है और एक फेंसिंग जो है मैंने इधर की साइड की है, इसका काम भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अपना जितना भी ये रेंच वाला एरिया है थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। जैसे कुछ पिक्स अभी बाहर निकल के भाग गए थे और वो छोटे छोटे पिक्स थे और काफी सारे बाहर निकल के भाग गए, तो उन्हें ऐसे पकड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे फेंसिंग हो रखी होगी तो वो अपने जो है रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, रेंज के अंदर ही रहेंगे। जैसे एक तो ये घूम रहा है यहाँ पे, ये इधर घूम रहा है और 3-4 वहाँ पे घूम रहा है। तो अभी एक काम करता हूँ, अभी यहाँ से कुछ पिक्स ले लेता हूँ। और ये वाला एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेलर तो नया आ ही गया है, तो अब जो है पिक्स को ट्रांसपोर्ट करने का कोई इशू भी नहीं है। इसमें मेरे को लगता है 6 पिक तो आराम से आ ही जाएंगे। बाकी पहली बार जो है मैं इसमें पिक्स लोड करके ले आ रहा हूँ। एक पिक तो मैंने इसमें लोड किया हुआ है, ये रेस्ट इन पीस हो रखा है, तो इसका पहले ही काम तमाम हो गया। बाकी अभी और पीस ला के इसके अंदर लोड करता हूँ। और बाकी मैंने जो है यहाँ पे गाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है अलग से, यहाँ पे अपनी 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक ये जो है फ्यूल वाला ट्रेलर खड़ा हुआ है। इसके अंदर अभी कितना फ्यूल है, वैसे इसमें 0 लीटर फ्यूल क्यों दिखा रहा है, फ्यूल कहाँ गया इसका, ऊपर 0 लीटर शो कर रहा है। एक मिनट इसमें डाल के देखता हूँ। हाँ इस गाड़ी में आ तो रहा है फ्यूल, तो फ्यूल तो इसके अंदर है, फ्यूल तो मैं भर के लेके आया था, इतना महंगा फ्यूल आया था, और आ भी रहा है, बस इसमें ऊपर शो नहीं हो रहा था, अब शो होने लग गया, अब 948 लीटर शो कर रहा है। तो वो थोड़ा बहुत कोई ग्लिच होगा। वो अभी जो है मैं पिक्स को ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वुड प्लैंक से लेके आना है, और वुड प्लैंक्स लाने के लिए तो एक ट्रेलर में पास बड़े वाला है, ये पीछे पार्क हो रखा है, इसे लेके चलूँगा क्योंकि काफ़ी सारे वुड प्लैंक चाहिए होंगे, काफ़ी सारा काम कंप्लीट करना है। और अभी तो जो है इस घर के ऊपर भी एक फ्लोर और बनाना है। बाकी मैं हनी चेक कर लूँ, हनी शायद बन गया होगा, हनी बन गया होगा तो हनी भी लेके चलूँगा, उससे भी देखता हूँ कि उसका जो है कितना अमाउंट मिल पाता है। तो यहाँ पर अभी तो ये 16% ही कम्प्लीट हुआ है बस, तो इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद निकालूंगा। इतने मैं जो है पिक्स को सेल कर जाता हूँ और वुड ले आता हूँ। तो अभी यहाँ से बड़े बड़े पिक्स सारे निकाल लेता हूँ, ये छोटे वाले बाहर भागने की कोशिश करेंगे, गेट लगा देता हूँ, एक तो निकल भी गया, चलो कोई नहीं इन्हें जो है बाद में पकड़ लूंगा, एक माह सामने घूम रहा है। जो पहला वाला पिक है उसको स्किन कर लेता हूँ, स्किन करके पॉक अंदर ही आ गया, तो ये वाला पिक है एक जो अंदर आ रखा है, इस वाले को ले लेता हूँ। इसमें 6 तो आ जाने चाहिए आराम से, बाकी जो है इसके अंदर अभी देख लेता हूँ कितने आएंगे। वैसे एक पहले से भी था, उसके तो मैंने जो है स्कैन कर दिया, तो उसकी जगह पे एक आ गया, ये वाला बड़े वाला, इसे ले लेता हूँ। अभी सारे पिक्स जो है भागने लग गए, इन्हें जो है बाद में पकड़ के लेके आऊँगा एक करके। और ये हाँ क्यों नहीं रहा, रस्सी तोड़ रहा है बार बार, अब आ जा, ये तो मेरे को लग रहा है 4 ही आ पाएंगे इसके अंदर, 6 ही नहीं आ पाएंगे। चार तो आ गए, बाकी ये सारे ही भागने लग गए। चलो अपने रेंज से कहाँ जाएंगे, इधर इधर कहीं मिल जाएंगे और ये यहीं पे घूमते रहेंगे। थोड़ा इन्हें भी जो है खुले में घूमे देता हूँ बाहर। अभी 4 तो लोड हो गए हैं, अगर ये वाला भी आ गया तो फिर एक और आ जाएगा, नहीं तो फिर और नहीं आएंगे। नहीं ये नहीं आ रहा, 4 ही आ पाएंगे, तो चलो इसे बंद कर देता हूँ। और इसके लिए जो है बड़े वाली SUV लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे वाली जो गाड़ी है इससे तो ये ट्रेलर खींच नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये पिक सामने है, अभी आया था टायर के नीचे,
थोड़ा साइड में करके निकालता हूँ, और इस वाली गाड़ी से तो आराम से यार ट्रेलर जो है खिंच जाएगा। और इस गाड़ी के साथ भी इस ट्रेलर को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसे जो है अंदर से ही चलाता हूँ, बाहर से तो प्रॉपर व्यू दिख ही नहीं रहा है इसका। बस इसे यहीं पार्क कर देता हूँ, ये फंस गया है यहाँ पे, थोड़ी सी जगह बची ही नहीं, थोड़ा सा गाड़ी को साइड करना पड़ेगा। और अब तो जो है यहाँ पे काफ़ी सही हो गया है, पहले यहाँ पे जो है एक पिलर टाइप का सा था, तो उस चक्कर में बड़ा ट्रेलर यहाँ पे आ ही नहीं पाता था और फंस जाता था, बाकी बाद में जो है चेंज हो गया, यहाँ पे अब पूरा ओपन एरिया है तो ईजिली यहाँ पर ट्रेलर आ पाता है। बाकी ये चार पिग हैं, इनका जो है पॉक कर लेता हूँ, उसके बाद जो है अंदर देखता हूँ उसका कितना रेट मिलता है, बाकी मुझे उतार के यहाँ डालने पड़ेंगे तब जाके ये अंदर स्क्रीन पर सेल करने की ऑप्शन आएगी। तो ये पिक्स को मैंने स्कैन करके पॉक कर लिया है और यहाँ पर डाल दिया है, अब बस देखना है कि अंदर इसका रेट कितना मिलता है। $3,000 तो कम से कम मिल ही जाएंगे, $3,660 मिल रहे हैं, तो $3,000 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, और अब टोटल बैलेंस $5,000 का हो गया। इतने में जो है अपना आज का काम चल जाएगा, मतलब जो वुड प्लैंक्स है वो ईजिली आ जाएंगे, और ज़्यादा वुड प्लैंक्स चाहिए नहीं। बाकी वुड प्लैंक्स इसमें पीछे लोड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, शायद इस वाले ट्रेलर में तो लोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तो जो है एनिमल ट्रांसपोर्ट का है, तो इसे तो जो है ले जाके मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पे रेंच पे, उसके बाद वहाँ से दूसरे वाला ट्रेलर लेके चलता हूँ, और बाकी कुछ पॉक यहाँ पड़ा रह गया इसे भी सेल करके आता हूँ, इसके $180 और मिल गए। और अब जो है छोटे वाला ट्रेलर ही ले लेता हूँ रेंच से, उसमें जो है काफ़ी सारे वुड प्लैंक आ जाएंगे, और छोटी वाली गाड़ी में भी वुड प्लैंक आ जाएंगे, तो जो है उससे ही काम चल जाएगा। इस वाली गाड़ी को यहीं छोड़ देता हूँ, और इस वाले ट्रेलर के साथ हैंडलिंग बड़ी बेकार है इस गाड़ी की, तो इस वाले ट्रेलर के लिए जो है ना मुझे कोई और गाड़ी लेनी पड़ेगी, और भी पिकअप ट्रक्स वगैरह आते हैं तो वैसा कुछ लेना पड़ेगा जो थोड़ा पावरफुल हो और इस वाले ट्रेलर को इजीली हैंडल कर पाए, क्योंकि इस पे तो हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी अभी मुझे लेनी है ये वाली गाड़ी, और इसके साथ लेना है छोटे वाला ट्रेलर, और उसके बाद जो है वुड प्लैंक ला के इस काउबान का काम कम्प्लीट कर दूँ मैं। छोटे वाला ट्रेलर यहाँ पर है, और अभी हनी देख लूँ क्या होता है, रेडी हो गया, और 51% तो हो गया, अभी इतने में वुड लेके आऊँगा, इतने जो है हो जाएगा। बाकी ये ट्रे निकाल के यहीं नीचे रख देता हूँ, और इसमें फ्यूल तो अभी हाफ के आसपास है, तो हाफ से काम चल जाएगा इसीलिए। और पिक्स बाहर मज़े में घूम रहे हैं, और एक तो वहाँ घर के अंदर जा रहा है, तो इनको खुली आज़ादी मिल गई आज, बाकी इन्हें पकड़ के बाद में पिक बांध के अंदर रखूँगा, अभी आज तो जो है मैं काम कर रहा हूँ इसलिए जो है खुले में घूमने देता हूँ। और आज हिरन बड़े सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, इधर भी जो है दो दो दिखे मेरे को, वहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, अभी जो है इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए खूब सारे दिख रहे हैं, जब ज़रूरत होती है तब एक भी नहीं मिला था मुझे स्टार्टिंग में। ये भालू भी जो है कब से पड़े हुए हैं, तीन भालू, अभी इनका नंबर आया ही नहीं है सेल करने का, इन्हें जो है बाद में ही सेल करूँगा, अगर मुझे इन्हें अभी सेल करना होगा तो मुझे जो है अभी एक बार और जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट पे, तो अपना काम डिले हो जाएगा काउबान का। और एक वुड प्लैंक तो यहाँ पड़ा हुआ भी है, इसे तो लोड ही कर लूँ इसके अंदर पहले, ट्रेलर में शायद 16 या 20 के आसपास आ जाएंगे, और गाड़ी में भी जो है इतने ही आ जाएंगे, तो 50 ले लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा रहेंगे उन्हें बाद में आकर ले जाऊँगा। तो 50 का ऑर्डर कर लिया, और अभी बैलेंस है $3,600, बैलेंस तो अच्छा खासा बचा है। अब मैं चाहूँ तो जो है और गोट्स वगैरह भी ला सकता हूँ, या फिर जो है और काउस वगैरह भी ला सकता हूँ, देख लूँगा अभी अगर जगह होएगी मतलब अपने काउबान के अंदर तो जो है और काउस परचेज करके लूँगा। वैसे काउस परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बेबी काउ तो होते ही रहते हैं, तो उससे जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है, अभी भी जो है काफ़ी सारी काउस हो गई हैं। और ये वुड प्लैंक इन्होंने कैसे डिलीवर किए हैं गाड़ी के ऊपर, मैंने गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क कर दी जहाँ पे ये डिलीवरी वाला एरिया है, तो अभी इसे सही से करके लोड करता हूँ फटाफट से। तो इसमें काफ़ी सारे वुड प्लैंक आ गए हैं, और अभी शायद ये 15 के आसपास रह गए हैं, तो इन्हें बाद में आके ले जाऊँगा, अभी इतने से काम हो जाना चाहिए। तो काउ बांध का काम कंप्लीट होने के बाद जो है मुझे एक दिन जाके जो है सारे में मधुमक्खियां भी ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने इतने सारे बी हाइव्स तो बना दिए हैं, उनके लिए मधुमक्खियां भी तो चाहिए, तभी तो उनसे जो है शायद प्रोड्यूस होगा, और ऐसे खाली तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। और इतनी सारी मधुमक्खियाँ मुझे देखनी पड़ेंगी कहाँ कहाँ मिलेंगी, और ये हिरन तो जो है बिल्कुल सामने ही आया जा रहा है, अब भाग के सामने क्यों आ रहा है, कोई डर ही नहीं है इनके। अब बस यहीं से बनाना शुरू करता हूँ, इधर ही पार्क कर लेता हूँ इस गाड़ी को, और फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा तो प्लैंक लगते नहीं है, चार प्लैंक ही लगते हैं एक वुड फेंस को बनाने में। और मैं भी सोचा था कि आज इतनी देर हो गई, बारिश हुई क्यों नहीं है, बारिश तो यहाँ पे रोज का ही काम है, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहाँ बारिश नहीं होती। बाकी ये पिक जो है कहाँ तक घूम रहे हैं वहाँ पे,
अभी जो है इन्हें पकड़ने में भी जो है काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जगह जैसे पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो वैसे मैंने खुला छोड़ दिया, इसको मैं बंद कर देता तो दो तीन तो उसके अंदर रह जाते, ये सारे के सारे ही बाहर निकल गए। इधर से तो हो गया सारा सारा काम कंप्लीट, और इस साइड से और कर लूँ, उसके बाद जो है ये वाला गेट तोड़ दूंगा यहाँ से और ये फेंस भी तोड़ दूंगा, गाड़ी आगे ले आता हूँ यहाँ से। और अब तो जो है हनी भी पूरा का पूरा 100% हो गया होगा, तो हनी भी निकाल के देख लूंगा एक बार। और ये मुर्गी कहाँ से आ गई यहाँ पे? मुर्गी तो वहां पे सामने थी, वो तो पूरा पूरा बंद था, ये एक मुर्गी यहाँ कैसे पहुंची? एक छोटा सा एग से निकला हुआ चूजा मुझे रास्ते में मिला था, मैंने यहाँ कहीं छोड़ा था, ये शायद वही है। और ये इतनी बड़ी हो गई, इसे खाना वाना कहाँ से मिला? यहाँ तो कहीं खाना वाना था भी नहीं। सही है, अब इसे जो है उठा के वहाँ पर डाल देता हूँ उस वाले चिकन कूप के अंदर, और बाकी ये वाला काम तो कंप्लीट हो ही गया, तो मैं जो है इसे भी तोड़ दूँ यहाँ से ताकि अपनी काउ जो है बाहर घूम पाए। ये गेट बिठा दिया, ये बिठा दिया, तो अपनी काउ जो है बाहर घूम सकती हैं, और ये भी जो है रेडी थी बिल्कुल बाहर घूमने के लिए। बाकी इनका खाना वगैरह तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है, तो खाना तो देखने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी आ रहा है खाना भी आ रहा है। बाकी इसको उठा के ले चलता हूँ वहाँ पे चिकन कूप के अंदर, और वहाँ देख भी लूँ चिकन कूप में एक दो मुर्गी कोई जिंदी है भी या नहीं है। वैसे तो नहीं होगी, है शायद, नहीं ये नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्स हैं काफ़ी सारे, इनका खाना ख़त्म हो गया इसीलिए इनका काम तमाम हो गया, पानी भी ख़त्म होने वाला था, खाना यहाँ मैनुअली डालना पड़ता है, इधर ग्रेन मिल नहीं है, तो इधर के लिए भी जो है एक ग्रेन मिल बना ही दूंगा यहाँ पीछे ना, तो इनका खाने का भी बार बार मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खाना आता रहेगा। और ये जो है इस वाली मुर्गी ने दूसरे कलर के एग दिए हैं, ये वाला एग जो है बाद में आया, पहले खाली जो है वाइट वाले एग होते थे, अब ये वाला एग भी देती हैं कुछ मुर्गियाँ, तो ये वाले एग का शायद रेट ज़्यादा मिलता होगा या पता नहीं क्या है। एक ही मुर्गी है, ये बाहर निकल रही है गेट खोलते, इसको तो अंदर छोड़ देता हूँ। और अब देख लूँ पहले हनी का कि हनी जो है रेडी हुआ भी है या नहीं हुआ है। अभी भी 84% हुआ है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है हनी को रेडी होने में। मैं इतने जो है और काम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली फेंस भी तो बनानी है मुझे, उसके अलावा सामने वाली ये वाली फेंस भी है ये भी कंप्लीट करनी है, चार हैं ये, दो रह गई, दो के लिए जो है 8 प्लैंक और चाहिए। और बारिश तेज हो गई, अब आराम से काम हो गया अपना सारा सारा जो भी आज मुझे काम करना था वुड प्लैंक से, और वुड प्लैंक काफ़ी सारी बच भी गई हैं। बस ये बी हाइव्स बनाए रहते हैं, बी हाइव्स मैं बाद में बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल वैसे मैं एक बी हाइव बना ही देता हूँ, एक एक्स्ट्रा रहेगा, और क्योंकि मुझे अंदर वाला बी हाइव हटाना है। इसके लिए प्लैंक तो हो गए, मेटल पीसेस चाहिए, मेटल पीसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये रे 8 ही मेटल पीस बचे हुए हैं अभी, तो ये एक और रेडी हो गया, और अभी इसे यहीं पर रख देता हूँ। तो अभी जो है ये वाला मुझे हटाना है, इसलिए जो है मैंने वहाँ पर एक रेडी कर दिया है, और 89% तो हो गया। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा प्लैंक्स मिल गए हैं मुझे, इन्हें जो है बाहर रख देता हूँ यहाँ पे, और अभी जो है कुछ पिक्स को पकड़ना शुरू करूँ, और अभी गोट्स भी देख लूँ क्या अब तक छोटी कोई गोट भी हुई हो। ये तो दो हैं बड़े, ये हो गई छोटी वाली गोट भी, हाँ तो चलो दो छोटी गोट हुई हैं, तो अब टोटल मिला के जो है 6 हो गई, मतलब पहले 4 थे, अब ये 2 जो है बेबी गोट और हो गई। बाकी मुझे अभी लॉन मूवर भी लेके आना है, घास काफ़ी ज़्यादा हो रही है अपने रेंज पे, बाहर भी जो है काफ़ी सारी घास हो रखी है, तो सारी घास काटनी है। मैं अभी एक काम करता हूँ, लॉन मूवर ही जाके ले आता हूँ, और वैसे मैंने जो है चीज़ भी बना रखा है काफ़ी सारा, और ये काऊ को बाहर निकलने की पड़ी है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाली काउस मुझे यहाँ से हटानी थी, ये तो बुल है वैसे, एक बुल आ गया यहाँ पे, और जो है अभी ये पिग सामने घूम रहे हैं, इन्हें तो मैं अंदर ही डाल दूँ ज़रा, एक तो चला ही गया अपने आप बारिश के चक्कर में। अब तो बाहर आ नहीं रहे, बारिश हो रही है बाहर, इसलिए जो है सीधे अंदर ही जा रहे हैं। और पिक्स कहाँ पे हैं? और एक इधर था, एक तो जो है अंदर घुसा हुआ था, एक ये बाहर घूम रहा है, और एक यहाँ पे अंदर गया था, और अंदर आके क्या कर गया? अबे जगह जगह कर दिया इन्होंने, तो हक दिया है जगह जगह, यहाँ तो नहीं हगा, चलो यहीं पे हगा है गेट के पास, ये तो मैं साफ कर देता हूँ, इसीलिए आया था वो अंदर। और बाकी वो ऊपर तो नहीं चढ़ गए यहाँ पे, इधर की साइड तो नहीं है, इससे ऊपर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पीछे घूम रहा है जरा। तो ये पिक्स को तो मैंने अंदर कर दिया जितने दिखे हैं, बाकी दो तीन बाहर घूम रहे हैं ये, इन्हें भी जो है मैं बाद में अंदर कर दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं हनी का देख लूँ।
अब हो गया 100% रेडी। और अब ऐसे मैं हाथ लगाऊंगा तो ये काटेंगी। हाँ काट रही है, तो पहले मुझे ये स्मोकर ही ऑन करना पड़ेगा। इसे यहाँ पे रख देता हूँ, और अब तो नहीं काटना चाहिए। हाँ अब नहीं काट रही, इसके अंदर रखना है। और इसमें 5 आ जाते हैं, अभी 4 है मेरे पास। अब इसे बंद करना है और पहले इसके नीचे ही लगा दूँ, नहीं तो जो है सारा सारा हनी क्या पता नीचे गिर जाए। और इसे अब करना है ऑन, हनी आना शुरू हो गया इसके अंदर। इसको तो बंद कर दूँ, इसको तो ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो इसमें भी अभी 5.5 लीटर हनी आ चुका है। इतना ही निकलेगा क्या? अभी जो है इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, शायद इतना ही निकलेगा 4 ट्रे से। हाँ 5.5 पे आके रुक गया। बाकी इसमें जो हनी बीस हैं, ओ अभी भी काट रही हैं, फिर से धुआं करना पड़ेगा मेरे को। और इन वाली ट्रेस को अब इसके अंदर रखता हूँ, क्योंकि ये वाला मुझे जो है हटाना है यहाँ से, तो इसको तो बंद ही कर देता हूँ। इन सारी ट्रेस को लेके चलता हूँ। 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 खाली हैं, टोटल मिला के 6 ट्रे हैं मेरे पास अभी। 3 ट्रे हो गए बस, ये लास्ट ट्रे है। तो 4 ट्रे निकाल ली इससे। अब जो है ट्रे उसको यहाँ लगा के अब हनी को लेके चलता हूँ रेस्टोरेंट पे, देखता हूँ रेस्टोरेंट पे सेल होगा उसका कितना रेट मिलेगा। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा है, तो रेट भी जो है अच्छा खासा ही मिलना चाहिए। और इस वाली गाड़ी में तो जो है मैंने प्लैंक्स लोड कर रखे हैं, ये वाली SUV ले लेता हूँ, उसके ऊपर रख लेता हूँ हनी को। और अभी जो ये देखना भी कि रेस्टोरेंट पे मैं इसे सेल कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर जनरल स्टोर जाना पड़ेगा मुझे। तो गाड़ी को यहाँ पार्क कर देता हूँ, अगर सेल होना होगा तो जो है ऐसे ही आ जाएगा। गाड़ी इसके ऊपर पार्क कर दी। थोड़ा रास्ता है या नहीं अंदर जाने का? रास्ता तो मैंने छोड़ा ही नहीं, थोड़ा सा गाड़ी को आए करना पड़ेगा। बस इतना ठीक है, अब देख लेते हैं। सेल में आ गया हनी का, और हनी का ये 56 क्या आ रहा है? अच्छा 100-100 ग्राम वाले जार होंगे, क्योंकि 5.5 लीटर के आसपास आया था। बट रेट तो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है, सिर्फ $224। और $224 के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, उसमें 4 ट्रे थी, तो 4 ट्रे के $224 मिले हैं मेरे को। लगभग $61 एक ट्रे का मिला है, तो एक में जो है उसमें शायद 5 या 6 ट्रे आ सकती हैं। $300 या $350 के आसपास एक बी हाइव से इनकम हो सकती है, और शायद को बनने में 2 दिन के आसपास लग गए, एक दिन में तो रेडी नहीं हुआ। तो अब मुझे जो है अगर हनी से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ ला के रखनी पड़ेंगी, तभी जो है प्रॉफिटेबल होगा। वैसे मैंने काफ़ी सारे बी हाइव बना तो दिए हैं, अब इतनी सारी मधुमक्खियाँ मिलनी चाहिए। बस इतनी सारी मधुमक्खियाँ मिल गई तो $3,500-3,000 का इजीली 2 दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाया करेगा उससे। बाकी अभी ये भी ट्राई करना पड़ेगा कि हनी से मैं कुछ चीज़ प्रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ चीज़ प्रिपेयर कर सकता हूँ तो वो शायद महंगी बिकेगी उससे जो। ओ ये क्या किया इसने, इतनी बुरी तरह टक्कर मारी इस हिरन ने, गाड़ी पूरी पीछे चली गई। ये मेरे को लगता है इन हिरन्स का ना टाइम आ गया है, ये ऐसे मानेंगे नहीं। पर छोड़ो चलो, अभी नहीं छेड़ता इनको। तो हनी से भी ये देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हनी से ही बन सकता है। जैसे मैं एग को जो है चीज़ के अंदर डाल सकता हूँ, तो उस चीज़ की जो है वैल्यू बढ़ जाती है। तो हो सकता है हनी से भी जो है कुछ ना कुछ रेसिपी हो, चीज़ के अंदर भी डाल के देख लूँगा एक बार। अभी तो जो फिलहाल चीज़ रखा हुआ है वो भी इधर रेडी हो रखा है, वो भी सेल करके आना है। और ये हिरन है यहाँ पे साइड में, अबे इधर क्या कर रहा है ये, क्या यहाँ पे बार बार मेरे सामने आए जा रहे हैं। इधर भी आ गया, एक मिनट, ऐसे नहीं मानेगा, अब भागेगा। ऐसी हवा में चला देता हूँ एक बार ना, भाग जाएगा, बस अब भाग जाएगा यहाँ से। अभी काफ़ी सारी काउस अंदर जा रही हैं, क्योंकि अंदर पानी का और खाने का रखा हुआ है, इसलिए जो है अंदर जाके खाना खा के और पानी पी के आ रही हैं। बाकी बाहर खुले में घूम रही हैं, खुले में इनके लिए ठीक है अब। और अब जो है ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। बाकी मैं इसको थोड़ा सा ना सोच रहा हूँ कि तोड़ दूँ यहाँ से, बट नहीं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में इसको डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं आगे से इसको छोटा करके यहाँ पे 2 बना दूंगा, बाकी जो है अभी तो फिलहाल ये ठीक चल रहा है। और यहाँ पे जो है 6 गोट भी हो चुकी हैं, तो ये तो पूरा गोट का रहने वाला है। बाकी मैं यहाँ से अभी फिलहाल एक काऊ को और निकाल ही देता हूँ बाहर। ये एक काऊ और इसके अंदर आ गई, बाकी ये पिग यहाँ घूम रहा है। यहाँ पे खाना भी है और पानी भी है, तो पिग जो है यहाँ पे हेल्दी रहेगा, कोई इतना इशू होगा नहीं। बाकी जो है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।